फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो बन रहा है, सबसे पहले तो मेरे चैनल KSG पे आप सभी का स्वागत है। और ये जो मशीन है, अभी तो यही खूब ज़्यादा चल रहा है, तो इस मशीन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। पहले क्या था, इस मशीन में हम लोग 2 HP का मोटर देते थे, और साथ में अब जो है इसमें गियर बॉक्स भी दे रहा है, क्योंकि 2 HP का मोटर जो है वो 8 गेज का तार जो होता है वो खींच नहीं पाता है। तो अभी क्या है, ये गियर बॉक्स लग गया इसके साथ, तो गियर बॉक्स लगने के चलते आपका 8 गेज तो छोड़िए, आपका 6 गेज भी आराम से ये खींच लेगा, तो आपका थोड़ा सा लागत ज़्यादा आएगा इसमें, और बाकी कुछ अंतर नहीं है, बाकी सारा मशीन एक ही है। तो आपके पास अगर ये मशीन पहुंच जाता है तो आप इसको इंस्टॉल कैसे कीजिएगा, बहुत सारा मुझे कमेंट आता है, फ़ोन आता है कि सर ये मशीन का नॉलेज नहीं है, कैसे हम चलाएँगे इसको। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि ये मशीन जब आपके पास पहुँचे तो आप इसको कैसे इंस्टॉल कीजिएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो गियर बॉक्स है ये तो हम लोग इसमें लगा कर ही भेजते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग मोटर बैठाएंगे। और ये जो बेल्ट है, इसका फंक्शन कैसा है देख लीजिए, ये जो है बेल्ट है इसका, और यहाँ पे ये है इसका लीवर हैंडल, यहाँ पे एक रबर लगा लीजिए यहाँ पे, या स्प्रिंग लगा लेना होता है, ठीक है। और इसको जब आप प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ख्याल कीजिए, ये बेल्ट जो है देखिए टाइट हो जाता है, तो ये जब टाइट हो जाएगा तो ये शाफ्ट को घुमाने लगता है, और जब इसको छोड़ दीजिएगा तो ये आपका जो मोटर है फ्री घूमता रहेगा, शाफ्ट नहीं घूमेगा। इससे क्या होता है, आपका मोटर पे लोड कम पड़ेगा, गर्म नहीं होगा, और मोटर का लास्टिंग जो है ये लाइफ जो है बढ़ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो है इसको मैं दिखाता हूँ, ये है इसके, ये तार जो है इसी के थ्रू जाता है, और ये तार को सीधा करने का काम में करता है, और साथ में पकड़ बनाए रखता है ताकि आपका तार इधर उधर ना भागे, और एक मजबूती बना कर रखे तार में, इससे आपका जो 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 फिनिश प्रोडक्ट है वो अच्छा निकलेगा। अगर ये नहीं दीजिएगा तो आपका माल जो है गड़बड़ होगा। यहाँ पर एक होल बना हुआ है, और यहाँ पर भी एक होल है, तो आप इस तरह नट को डाल दीजिएगा अंदर से, और फिर इसको इस तरह डाल करके अगर ऊपर से अगर नट टाइट करते हैं आप तो ये वाशर नहीं लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और अगर आप इसको इस तरह से टाइट कर लेना है, अच्छा ये किस डायरेक्शन में ये मूव होता है आपका, ये इसको आपका ये जो डाई जो होता है, ये डाई इस तरह से फिट होगा, ठीक है। और इस तरह फिट होने से ये जो है इसका सीधा जो ये इस तरह, ये देख लीजिए एक बार, इसको मैं दिखा दूं, और ये इस तरह होता है, तो ये जो घाट बना हुआ है, ये जो कटिंग है डाई में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये जो कटिंग है, ये जो तार होगा, ये पुली जो होगा, पुली का ये थ्रेड के साथ सीधे एक बना होना चाहिए, तभी जाकर आपका सीधे तार जो है सीधा जाएगा, नहीं तो इस पर अगर टेढ़ा होगा तो तार जाने में जाम होगा, तार निकलेगा ठीक से नहीं, और फिर माल भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो एक सीध में इसको रखिएगा, ये तीनों पुली और इसका थ्रेड जहाँ से तार अंदर जाएगा, ये तीनों को एक सीध में रख के आपको इसको टाइट कर देना है। तो इसको बाद में हम टाइट करेंगे डाई फिट करने के बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, डाई कैसे फिट करना है, तो इस तरह का ये चार डाई तो आपके पास चला जाएगा, ये पैक होके, ठीक है। तो आपको डाई इसमें कैसे फिट करना है ये दिखाते हैं। तो अगर ये प्लेट अगर बाहर हो डाई के, तो आप इसको सबसे पहले इसको अंदर डाल दीजिएगा इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे दो नट बोल्ट है, इसको खोल लीजिएगा,
ठीक है। और यहाँ पे दो वाशर है, इसको भी निकाल लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसको ये यहाँ पे घाट बना हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, तो ये डाई को थोड़ा सा बाहर निकाल कर इसको इस तरह से अंदर डाल दीजिए, ठीक है। डाई पत्ती जो है अंदर चला गया, डाई इधर ही है। अब इसको यहाँ पे देखिए, ये जगह जो है ये थोड़ा मोटा है ताकि ये बाहर ना निकल ले, इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा किया रखा गया है। इसको इसके अंदर डाल लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो है यहाँ पे दो नट बोल्ट है, बोल्ट इसके साथ यहाँ पे इधर से दिखाइए मेरा, के बाद फ्रेंड्स ये दो वाशर है, इसको डाल लीजिए आप, इसको यहाँ लगा लीजिए और इसको पहले थोड़ा सा हल्का टाइट कर लीजिए, बस इसको सिर्फ अंदर जाने के लिए। इसके बाद ये जो डाई है यहाँ पे अंदर होल है, ठीक है, इसके एकदम सेंटर में होना चाहिए, इसके सीधा होना चाहिए एकदम इस तरह। इसको आपका देखने का तरीका है, देखिए इस तरह रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि डाई आपका सीधा है कि नहीं, ठीक है। ये देखिए पूरा सीधा है, अंदर का पत्ती से आपका ये मेजरमेंट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए डाई इधर होगा तो आपका पत्ती टेढ़ा हो जाएगा, इसको पहले पत्ती को सीधा कर लीजिए आप, ये आपका पत्ती सीधा हो गया एकदम, ठीक है। इधर से दिखाइए, ठीक है, ये देखिए पत्ती और ये साफ जो है एकदम सीध में है, तो ये मतलब आपका डाई जो है अभी इसका फिटिंग ठीक है। अब इसको इस तरह इसको टाइट कर लीजिए, अब एक बार फिर इस तरह रख के ताकि डाई नीचे ना चला जाए, इसलिए आप इसको एक बार हल्का उठा करके इस तरह इसके बाद इसको टाइट कर दीजिए। पूरा टाइट करने की जरूरत नहीं है, अभी एक बार फिर से चेक कर लेना होगा, इसलिए पूरा टाइट नहीं करेंगे। अब एक बार देख लेते हैं, डाई जो है हल्का उतर जाएगा, और अभी यहाँ पे जाम हो रहा है इसलिए ये प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अभी ठीक है। अब मेरा डाई जो है फिट हो गया है। तो सभी डाई लगाने का जो प्रोसेस है एक ही है, तो आप समझ गए होंगे जिस तरह से ये मैं 2.5 इंच वाला लगाया, इस सभी को आप इसी तरह से फिटिंग इंस्टॉल कीजिएगा। और इसके बाद जब हो जाएगा आपका अलाइनमेंट सही हो गया, इसके बाद आप इसको पूरा फुल टाइट कर लीजिए। पूरा फिट हो गया मेरा। तो डाई किस तरह से फिटिंग करना इंस्टॉल करना ये आप देख लिए, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स डाई जो है ये जो कटिंग जहां से स्टार्ट हुआ है इसको आप ख्याल कीजिएगा, ये जहां से स्टार्ट होगा ये पार्ट जो है ये ऊपर की तरफ होगा, जिस तरह की यहां पे मैं नीचे कर दिया ये गलती से हो गया है, तो ये इस तरह आप नहीं कीजिएगा। ये डाई को आप, मैं इसको गलती इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए इस तरह का गलती करते हैं और मुझे फिर कंप्लेन करते हैं, इसलिए ये मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ये जहाँ से स्टार्ट होगा कटिंग, आप इस पार्ट को ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है।
ये वाला, और ये इस तरह रहेगा, और ये जो कटिंग जो है इसके सीध में आपका ये पुली, तीनों पुली इसके सीध में होगा, ठीक है, इसके सीध में ये तीनों पुली होगा, जैसे कि ये देख लीजिए अभी ये आपका ये पूरा सीधा बना हुआ है, तो ये सीध में रहेगा हमेशा। तो अभी मान लीजिए यहाँ से अगर ये डाई में मान लीजिए आपका कटिंग यहाँ से स्टार्ट है, जिस तरह वो मैं दिखाया यहाँ से होगा, तो इसका जो सीध होगा ये देखिए, ये तीनों पुली और कटिंग जहाँ से स्टार्ट होगा ये एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको टाइट कर देना आपको, तो ये हुआ। और तार जो आएगा फ्रेंड्स ये इसके अंदर से, यहाँ पे एक होल बना हुआ है इसके अंदर से तार आएगा, ठीक है, इसके अंदर से जाएगा तार, यहाँ से घुसेगा इसके ऊपर से दीजिएगा, इसके नीचे से जाएगा और फिर इसके ऊपर से जाकर फिर इसके अंदर घुसेगा। यहाँ पे मोटर किस तरह फिट करना है ये आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए हम लोग जो मशीन बनाते हैं मशीन में जो मोटर देते हैं ब्रांडेड कंपनी का देते हैं, ये हेवेल्स का मोटर है 2 HP का। देखिए ये है आपका 220 वोल्ट पे चलेगा, 10.5 एम्पियर का है और इसका RPM जो है 1450 का है, ठीक है। और ये ब्रांडेड है, ब्रांडेड मोटर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है इसके कागज़ हम लोग साथ में दे देते हैं, आप वहीं से कस्टमर केयर में फ़ोन कीजिएगा, आदमी पहुंच जाएगा आपके पास बनाकर चला आएगा। अगर गियर बॉक्स को हम लोग लगा कर भेजते हैं तो मोटर कैसे फिट करना ये दिखा देते हैं। ऐसे हम लोग गियर को लगा कर ही भेजते हैं अधिकतर, मगर कभी कभी गियर बॉक्स के साथ में और हम लोग ये मोटर को एक साथ में लगा देते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे बैठा लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चाबी है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाबी घाट है यहाँ पे, ठीक है, और ये चाबी जो है ठीक इसके अंदर जाएगा। ये देखिए ये मोटर जो है बैठ गया। पहले का जो मशीन आता था जो हम लोग बनाते थे उसमें ये गियर बॉक्स को नहीं देते थे हम लोग, मगर अब बहुत सारा कंप्लेन आता है क्योंकि मशीन तो लोग मतलब आदमी एक ही बार लेता है तो उसको फिर 8 गेज का जो माल होता है वो बना नहीं पाता है, तो फिर बोलता है कि सर हमको 8 गेज का बनाने में मोटर बहुत गर्म हो जाता है, खींच ही नहीं पाता है। इसीलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं गियर बॉक्स को देते हैं, तो इसमें तो 8 गेज तो छोड़िए आपका 6 गेज भी आराम से खींच लेगा, इतना हैवी बनता है ये। तो इसलिए अभी इसका थोड़ा सेटिंग अलग हो गया है, नहीं तो ये मोटर जो है इस तरह ये जो है इस तरह बैठेगा, वो हम लोग बैठा कर ही एक बार भेज देते हैं। तो ये गियर बॉक्स के साथ अगर जाए तो आपको कैसे मोटर बैठाना है ये आपको दिखा दिया। अब इसको हम लोग नट बोल्ट जो है ये टाइट कर देंगे। ये यहाँ पे नट बोल्ट के लिए यहाँ पर होल बना हुआ है, ये गियर बॉक्स का और मोटर का ये दोनों को सेंटर मिला करके होल को इसके बाद हम लोग इसको टाइट करेंगे। तो इस तरह का नट बोल्ट होगा आपके पास भेजा जाएगा, इसको आप खोल लीजिएगा। आपको इधर से डालना है, इधर से डाल लीजिए ऐसे कर, यहाँ पे इस तरह टाइट कर लीजिए।
ये मेरा मोटर पूरा टाइट हो गया है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है, न्यूट्रल और फेज आपको कनेक्शन कर देना है और आपको करंट दे देना है, बस आपका मोटर चालू हो जाएगा। मोटर चालू हो जाएगा, आपका मोटर चलता रहेगा, मगर क्या है कि आपका शाफ्टिंग नहीं घूमेगा जब तक कि आप इस लीवर को, ये जो लीवर देख रहे हैं इसको जब तक आप टाइट नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये शाफ्ट जो है ये आपका टाइट काम नहीं करेगा। तो जब आपको चाहिए जब निकालना होगा माल, आप इसको दबाइएगा, इसको दबाइएगा, बेल्ट टाइट होगा और आपका माल निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा मोटर कैसे इंस्टॉल करना है, गियर बॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो गियर बॉक्स तो हम लोग लगा कर ही भेजते हैं, मगर सेम जिस तरह मोटर लगाए हैं उसी तरह गियर बॉक्स भी फिट होता है, ठीक है। और ये जो बेल्ट होता है, ये बेल्ट हम लोग इस तरह साथ में दे देते हैं, तो आपको बेल्ट को इस तरह ये पुली में लगाए शाफ्ट वाला, इसके बाद इस पुली के नीचे और फिर इसके ऊपर से जाएगा इस तरह। तो ये इस तरह बेल्ट लगेगा, मोटर इस तरह इंस्टॉल होता देख लिए, डाई कैसे फिट करना ये भी देख लिए आप, इसको कैसे फिट करना ये भी देख लिए, ठीक है। अब तार कैसे अंदर जाएगा उसको मैं दिखा देता हूँ, तार को कैसे फिट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होल है, इस होल के अंदर से ये तार जाएगा, ठीक है। और इसको पहले लूज कर लेना होगा सर, तो ये इस तरह होगा और ये जो है इसके नीचे से जाएगा इस तरह से और फिर ये इसके ऊपर से इस तरह, ठीक है। ये आप देख लिए और ये जो तार है अब इसके अंदर जाएगा। तो और इसको आप क्या करना है, इसको इसके मुंह पे थोड़ा सा बेंड कर लीजिए, इसको बेंड करके आप इस पत्ती में फंसा सकते हैं। ये जो पत्ती देख रहे हैं इसको इस तरह रखिएगा, ठीक है, इस तरह रखिएगा और इसको बेंड करके, इसको बेंड करके आप यहाँ पे इसको इस तरह फंसा लीजिएगा इस तरह, ठीक है। ये इस तरह फंस जाएगा, अब जब ये फंस जाएगा इसके बाद धीरे धीरे चलाइएगा और इसको ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ये जो फर्स्ट पुली होगा ये लगभग इस जो ये जो होल है बस इसके थोड़ा नीचे होगा, इसके बाद ये वाला जो है और ये इस तरह इसको यहाँ पे थोड़ा डाउन कर लीजिएगा, डाउन करके इसको टाइट कर दीजिएगा और इसको थोड़ा ये हल्का ऊपर होगा, ये आपका तार को ये स्ट्रेंथ दे देता है, ये पकड़ के रखता है तार को। अगर आपको लगे कि तार थोड़ा ज़्यादा लूज हो गया है तो इसको ज़्यादा नीचे कीजिएगा या इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा, तो ये प्रेशर इस पर ज़्यादा बनाएगा। और आपको ये पता कैसे चलेगा कि तार लूज हो गया, जब आपका जो तार मुड़ता है वो क्या होगा, वो ज़्यादा फैलने लगेगा और वो टेढ़ा होने लगेगा बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फैलेगा वो, तो समझ जाइएगा ये इसको आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइट करना है, मतलब इसको थोड़ा नीचे ले जाना है या इसको थोड़ा ऊपर लेके आना है। और अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो आपको तो मशीन चलाते समय थोड़ा दिक्कत होगा, कंफर्टेबल नहीं फील होगा, थोड़ा जाम चलेगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा इसको ये जो है अभी टाइट है इसको थोड़ा ऊपर कीजिएगा तो लूज हो जाएगा, तो इसको थोड़ा लूज कर लीजिएगा ऊपर करके या इसको नीचे करके लूज कर लीजिएगा। तो इस तरह ये वायर इस तरह फिट होता है। और इसको फर्स्ट टाइम जब आप इस डाई को यूज़ कीजिएगा, किसी भी डाई को जब फर्स्ट टाइम यूज़ करना है आपको, तो पूरा मोबिलिंग करना है, इसको पूरा वॉइलिंग करना है, ग्रीसिंग करना है, तेल डालकर पहले फ्री बिना तार डाले हुए आपको चलाना है। कम से कम आपका आधा घंटा पूरा तेल डालिएगा, जला हुआ मोबिल हो ग्रीस हो आप उसमें डालिएगा और आपको फ्री बिना तार डाले हुए कम से कम आधा घंटा एक घंटा आपको चलाना है, ताकि ये जो धार बना हुआ है, ये जो कटिंग जो है इसमें धार बना हुआ रहता है नया डाई में, तो ये थोड़ा जाम करता है। आप जब लगाइएगा तो आपका तार माल जो है वो निकलेगा भी नहीं, आपको प्रॉब्लम होगा, आप फिर हमको कंप्लेन कीजिएगा। तो इसलिए आपको हम पहले बता दे रहे हैं, जब आपके पास ये मशीन जाएगा तो सबसे पहले आप इसमें बिना तार डाले हुए
आधे से एक घंटा कम से कम एक घंटा आप इसमें ग्रीसिंग कीजिएगा, ऑयलिंग कीजिएगा, मोबिल डालिएगा और फ्री बिना तार को ये इस तरह बिना तार को फ्री बिना तार से आप इसको चलाना है। तब जब ये फ्री हो जाएगा इसके बाद आप चलाइए मशीन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा ये कैसे इस मशीन के बारे में, लगभग मैं तो सारा डिटेल्स आपको दे ही दिया। अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।